मुझे तो एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, तो मुझे किरदार अच्छा लगा और एक जर्नलिस्ट हैं आप की फील्ड से किरदार है, तो वो किरदार मैंने इस तरह का कुछ किया नहीं था, तो मेरे लिए एक्साइटिंग पार्ट था तो मैंने किया। नाम सेम है, जर्नलिस्ट है अर्नब, उसका नाम आई थिंक राइटर ने अर्नब घोष है नाम उस कैरेक्टर का, तो आई थिंक तो इजी बनाने के लिए लोगों को शायद नाम रखा होगा। मैंने कुछ उनको डायरेक्टली कुछ कॉपी नहीं किया इस फिल्म में, तो ये उनका टेक ऑफ नहीं है उस उनका अर्नब का, अर्नब गोस्वामी जी का, तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है अर्नब, तो उसका उस कैरेक्टर से कोई उनसे कोई लेने देना नहीं, इस कैरेक्टर का अर्नब गोस्वामी से कोई लेने देना नहीं। आजकल हाँ, जिस तरह का एक जर्नलिज्म एक ख़ास किस्म का, जहाँ पे बड़ी उत्तेजना भरी होती है, ऐसे सवाल किए जाते हैं एक ख़ास लहजे से, तो मैंने सिर्फ वो लहजा फॉलो किया है। जैसे कि जो टाइटल है कॉफी विद टी, तो जो बड़ा निर्माता है हमारे बॉलीवुड के, उसके शो का कॉपी किया है। आई थिंक इट्स अबाउट इंटरव्यूइंग और हैविंग सम टाइम विद दैट पर्सन, सो कम ओवर अ कप ऑफ कॉफी एज वी मीट, सो कॉफी विद डी ऑफ कोर्स, कॉफी विद दिस पर्सन, कॉफी विद दैट, ऑफ कोर्स बहुत फेमस शो है कॉफी विद करण, हम सब लोग देखते हैं, तो लोगों के लिए आसान हो जाता है समझना, शायद इस वजह से नाम रखा गया है, मैंने नाम नहीं रखा है, तो शायद इस वजह से नाम रखा गया है कि लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि एक मीटिंग है, एक रौंदबू है, एक इंटरव्यू है। ये जर्नलिस्ट जो है अर्नब, जो फिल्म के कैरेक्टर हैं, ये पाकिस्तान जाते हैं, जैसा कि प्रोमो में आप लोगों ने देखा, वहाँ जाके ये इंटरव्यू करते हैं, तो यही एक शायद एंगल है। हाँ, इंटरव्यू है और उसके अंदर कुछ सवाल हैं जो कि बहुत सीरियस सवाल नहीं है, उसके अंदर ह्यूमर है, उसके अंदर कॉमेडी है, और आपको मज़ा आएगा देखने में। सर, हाल ही में कपिल शर्मा में अंडर सेक्शन 187 में एफआईआर दर्ज हुई है, तो कुछ बात हुई कपिल सर से आपकी? मेरी इस बारे में बातें नहीं हुई हैं उनसे, पर वो मैं उनको जानता हूँ काफ़ी अरसे से, हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, दोस्त भी हैं, तो अभी कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते, मुझे मालूम है बहुत ही संवेदनशील इंसान है और बहुत केयर करते हैं, बल्कि हमारे हर शो में वो स्वच्छता के बारे में बोलते हैं और वो उसको फॉलो भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा या उनकी मर्जी से कुछ हुआ होगा, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं। जो सेक्शन लगे गए हैं उसमें बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था कि जो बीएमसी अधिकारी ने उनसे रिश्वत मांगी थी, तो आपको लगता है उनको नाम बताना चाहिए भ्रष्टाचार के साथ खड़े? ये उनका कॉल है, उन्होंने डील किया है उस चीज़ को, तो आप ये सवाल उनसे पूछे तो बेहतर होगा। क्या आपने, सॉरी मैं आपका सवाल, आप मिले हैं अभी मेरे को दो मिनट पहले, आप मिले हैं मुझे दो, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनकी वजह से ही सब चेतना रहती है सब जगह, और ये बहुत ही जिम्मेवारी वाला प्रोफेशन है, ये फिल्म करने के बाद मुझे और समझ में आया, तो आप जो कहते हैं लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, और लोग बहुत समझदार हैं, हम लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को सब पता है, सब कॉन्शियसली उनको सब मालूम होता है कि ये आदमी सच बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मैंने ऑफ लेट रियलाइज़ किया, मैं जगह जगह जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उनको सब मालूम होता है और उनका डिसीजन
सर आंखों पर जैसा भी होता है तो आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। तो जो सच्चे होते हैं वो टिके रहते हैं, जो थोड़ा बहुत मोल्ड करते हैं चीज़ों को, फैक्ट्स को, उनको लोग पहचान जाते हैं। जी जी हाँ, अभी सोचा नहीं है लेकिन जल्दी ही हम लोग प्रमोट करेंगे। नोटबंदी को कैसे देखते हैं आप? क्या नोटबंदी जो हुई है, 500,000 की नोट बंद हुई है तो आप? अरे हाँ, मुझे याद आ गया यार, 2,000 का छुट्टा है तुम्हारे पास? है आपके पास? कैसे देखते हैं इस निर्णय को आप? मुझे अभी जो फिलहाल बहुत सारा जो ब्लैक मनी लोगों ने दबाया हुआ था, हम सबके सामने ही है, वो सारा पैसा बाहर आ रहा है, लोग जमा करा रहे हैं या उन्हें इधर उधर खपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वो बैंक्स में ही आ रहा है और सरकार के पास ही आ रहा है जो अवैध पैसा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। आई थिंक बहुत सारा ब्लैक मनी जो फंक्शनल नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो सारा यूज़ में आएगा और एक सिस्टम बनेगा। थोड़ा टाइम हम सब लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है ऐसा मैं सोचता हूँ। तो एक अच्छे भविष्य के लिए अगर हमको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ रहा है, लोगों को असुविधा होती है बैंक की लाइन्स में लगना, लेकिन थोड़े समय के लिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं करूँगा पर हाँ, एक फिल्म आई थी गब्बर इज़ बैक, अक्षय कुमार साहब थे उसके अंदर, मेरा बड़ा एक संजीदा सा कैरेक्टर था और मैं बड़ा खुश हुआ था उस फिल्म के बाद कि पहले तो मेकर्स को थैंक यू कि उन्होंने सोचा कि इस किरदार के लिए मैं फिट हो सकता था। तो फिर मैंने, मेरा काम तो एक्टिंग करना है, निभाना है, लोगों का काम है उसको एक्सेप्ट करना, उन्होंने एक्सेप्ट किया और मेरा हौसला बढ़ा। तो डिफरेंट जॉनर ऑफ वर्क एक्टिंग लोग एक्सेप्ट करते हैं। जी जी, आप दर्शकों को क्या समझते हैं सर? दर्शक बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका हिंदी में देखो, कॉफ़ी की हिंदी तो मुझे पता नहीं है, डी की मतलब है ड, तो विद है साथ, तो हम लोग एक चाय, कॉफ़ी का वर्जन हमारा इंडियन चाय ही होता है ना, कटिंग चाय। तो हिंदी सर कॉफ़ी विद डी, जो समझ सकते हैं इस वर्डिंग को, ये फिल्म उन्हीं के लिए है। जो नहीं समझ पा रहे हैं शायद बहुत थोड़े लोग होंगे, तो ये फिल्म शायद उनके लिए नहीं है। मेरा लड़का है 6 साल का, मोहन, खुश होता है कि इस तरह के किरदार निभाने? मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, शुरुआत में जब वो 3-4 साल का था, अब तो वो सयाना हो गया 6 साल का, अभी 20-22 साल में उसका ब्याह भी करेंगे। तो वो शुरू में मुझे कहता था, उसको लड़की बिल्डिंग के लड़के जो थे उसके दोस्त उसको छेड़ते थे कि यार तेरे पापा तेरे लड़की का रोल करते हैं, पापा लड़की, तो पापा आप लड़की का रोल मत किया करो। मैंने कहा क्यों? तो कहता कि मैं नहीं बचते। तो मुझे पता चला कि शायद बच्चों ने बोला है, मैंने निकलवाया क्योंकि CID तो मैं भी देखता हूँ। तो मैं तो उसको फिर मैं मॉल में लेके गया, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने उसको बताया कि इतने सारे लोग जो हमको देख के स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, दिस कैरेक्टर इज़ द रीज़न वाई दिस सो मेनी पीपल आर स्माइलिंग। मे बी टू अर्ली फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बट ही गॉट इट। उनको थोड़ा सा समझ में आ गया कि माई फादर इज़ द रीज़न बिहाइंड सो मैनी स्माइल्स। सो अब वो बहुत गौरवान्वित होता है। अब तो खैर मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी बन के आता हूँ, तो वो तो मर्द भी है, लेकिन अभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रादर ही इज प्राउड।